नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं सोनू कुमार, मैं अभी मौजूद हूँ कोचस ब्लॉक परिसर में। आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 से 27 तक का नामांकन, आठवां चरण त्रिस्तरीय चुनाव का नामांकन किया जा रहा है और 21 से 27 तक नामांकन चलेगा। इसी नामांकन के आज दूसरे दौर में मैं अभी कोचस ब्लॉक परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि और जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। लाइन लगाकर महिलाएं और पुरुष भी हैं यहाँ पे, अपने अपने नामांकन को लेकर यहाँ पर आए हैं। कोई मुखिया के पद पर नामांकन करने के लिए आया है, तो कोई वार्ड के पद पर नामांकन करने के लिए आया है, तो कोई BDC के पद पर नामांकन करने के लिए आया है और कोई सरपंच के पद पर नामांकन करने के लिए आया है। ऐसे में मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि यह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और चुनाव का इनका विकास का मुद्दा क्या होगा। इनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा, आप देखते रहिए। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। टैनी पंचायत की सरपंच है, जो पूर्व सरपंच 5 साल रह चुकी हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ इनसे कि क्या इनका मुद्दा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनीता सिंह। थोड़ा सा तेज बोलिए। सुनीता सिंह। आप किस पंचायत से हैं? चितैनी पंचायत से। मैंने अगले बार भी सरपंच रह चुकी हैं। रह चुकी हूँ, 5 साल हो गया। दूसरे बार मैं उम्मीदवार हूँ अभी। आप अपने पंचायत के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? बस यही है, जैसे इतना दिन साल साथ दिए आप लोग, इस बार भी मेरा साथ दीजिएगा और मैं आप लोग की सेवा बहुत अच्छे से करूंगी जैसे आगे की। क्या उम्मीद है कि इस बार फिर आपको पुनः सरपंच पद पर बैठाया जाएगा? हाँ जरूर, उम्मीद तो है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, जरूर बैठाया जाएगा। अगर आपके 5 साल के कार्यकाल में आप अच्छे काम किए हैं अपने पंचायत में? जी, ये तो सब बताएंगे पंचायत वाले लोग कि मैंने क्या किया है। फिर से मैंने तो बहुत कुछ किया है। फिर से आप एक बार जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं अपने पंचायत? मैं वही दूंगी कि आप सेवा का फिर मौका दीजिए, मैं आप लोग की सेवा करना चाहती हूँ फिर से। नामांकन का दूसरा दिन है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि नामांकन किया जा रहा है। नामांकन कराने में बहुत सारी भीड़ है और ऐसे में रेड़िया पंचायत के एक उभरते हुए युवा प्रत्याशी जो अभी है नामांकन करा कर आए हैं, इनका नाम है राणा सरकार जी। इनसे बात करते हैं कि इनका विकास का मुद्दा क्या रहेगा, इनके पंचायत में अगर जीते हैं तो अपने पंचायत वासियों को विकास का मुद्दा क्या रहेगा, पंचायत वासियों के लिए क्या सौगात देंगे। सबसे पहले राणा सरकार जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी और सरकारी कर्मचारी को तहे दिल से प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। और मैं रेड़िया पंचायत से भावी मुखिया के पद पर मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूं। साथ ही साथ रेड़िया पंचायत के जितने भी गार्जियन रूप के माता बहने भाई नौजवान साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आने वाले कल में लोग रेड़िया पंचायत में गर्व से कहेंगे मुखिया नहीं मैं बेटा चुना हूं। अच्छा राणा सरकार जी, ये बताइए कि रेड़िया पंचायत के आप वहाँ के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जो जमीन का धरातल पर मुदाएं जो आती है, जो भी योजनाएं आती है वो ब्लॉक से ऊपर ही रह जाती है, धरती पर काम नहीं होता। जैसे नल जल की योजनाएं और शौचालय की योजनाएं, आवास सहायक पर सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा ताकि आने वाले कल में लोग गर्व से कहे कि मैं मुखिया नहीं बेटा चुना हूं, ताकि मेरा नाम राणा सरकार है। आने वाले कल में लोग गर्व से कहे कि युवाओं का सरकार बनाया तो मैं जय जय कर रहा हूं। अच्छा, आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा अपने पंचायत? सबसे पहले तो जैसे नली गली नल जल शौचालय का इतना बहुत सारा फंड आया, पैसा आया, अभी भी रोड पे इतनी सारी गंदगियां हैं और लोग के आवास के पैसे नहीं पहुंच पाए और शौचालय की सब समस्याएं हैं उस पर, सबसे राशन बूढ़ा पेंशन जितना भी समस्याएं हैं उस पर मेरा हमेशा से लगा रहेगा रफ्तार। और महीना में एक बार जनता दरबार हम जरूर लगाएंगे अपने पंचायत में ताकि आने वाले कल में किसी भी जनता को मेरे ब्लॉक में आना नहीं पड़ेगा। हर एक गाँव में एक मेरा बंदा रहेगा जो कि जाति निवास आधार कार्ड का कार्य करके उनके घर तक पहुँचाएगा। अच्छा, आपका नाम राणा सरकार क्यों है? क्यों मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता ने ऐसा ही नाम रख दिया कि आने वाले कल में रेड़िया पंचायत का एक सेवक बन के सेवा करूं, इसलिए मेरा नाम राणा सरकार रखा गया। अपने पंचायत के नेतृत्व करने के लिए आप अपने को राणा सरकार बोलते हैं? जी, गर्व से मुझे रेड़िया पंचायत के जितने भी माता बहने नौजवान साथियों मुझे सरकार ही बोलते हैं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना है और खासतौर पर युवाओं के लिए क्या कहना है आपको? सबसे पहले तो युवाओं के रोजगार के लिए हम लोग साथ में लगे रहेंगे और युवाओं को अपने साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सकते हैं कपसिया पंचायत के BDC प्रत्याशी अभी मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका विकास का मुद्दा क्या है। ये अपने पंचायत में प्रथम बार चुनाव लड़ रही हैं या दूसरी बार नामांकन कराने आई हैं? नामांकन का दूसरा दिन है, नामांकन करा कर ये जा रही हैं, इनका नाम पूछ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? बेबी देवी। क्या नाम पड़ेगा? बेबी देवी। अच्छा, इससे पहले आप पहले भी चुनाव लड़ी हैं? पहला चुनाव है आपका। विकास का आपका मुद्दा क्या है, क्या सोचकर मैदान में उतरी हैं, क्या अपना संदेश देने लगी? जनता का सेवा करने के लिए उतरी हैं जी। फिर से आपका क्या नाम पड़ेगा?
बेबी देवी। क्या चीज प्रत्याशी हैं आप? क्या प्रत्याशी हैं? क्या प्रत्याशी? बीडीसी। बीडीसी प्रत्याशी हैं आप। जनता का क्या संदेश देना चाहती हैं अपने पंचायत में? सेवा कर आप और उसका देखभाल करेंगे, पिछड़ा जाति को सब कराएंगे हम। जी, आपको उम्मीद है कि जनता आपको वोट देकर पुनः आपको जिताएगी? हाँ उम्मीद है। ऐसे में मेरे पास भाई जी, अपना नाम बताइए भैया। नाम सलमान अहमद पड़ेगा। क्या क्या विकास का मुद्दा है आपको? मेरे वार्ड में कोई अभी तक काम नहीं हुआ, जबकि मेरा पंचायत स्मार्ट पंचायत है गारा। जी, आपके यहाँ मुखिया जी विजय जी हैं। जी, विजय कुमार यादव है जी। हाँ, तो क्या उम्मीद है आप, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत में? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने वार्ड में बोलिए, युवा को जिताएं और युवा से काम लें। आज का भविष्य युवा ही है जी, और मैं उनको पूरा विश्वास देता हूँ कि अपने वार्ड में अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये आपके वार्ड में जो नल जल योजना की व्यवस्था है, फेल है या है? है, आधा सुधा उसी तरह है जी, कोई कंप्लीट नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। क्या नाम पड़ेगा फिर से बताइए? नाम सलमान अहमद पड़ेगा, वार्ड नंबर 3। आपके वार्ड के और जनता को विश्वास है कि आप इस बार चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। मुझे जनता से उम्मीद है कि मुझे वो चुनाव अब की बार जिताएंगे। चलिए।